नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां इन दिनों शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं और इस मामले में रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सरकार की भी कोशिश है इस मामले को लेकर कि किसी भी तरीके से जो है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन विपक्ष ने निशाना साध रखा है सरकार पर और क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सबसे पहले आइए सुनते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे और आइए और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला मामला है, लगातार इसमें जिस तरह से नए नए मोड़ आ रहे हैं और विपक्ष कतई जो है सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, इस मामले में क्या कहेंगे? शिक्षा माफियाओं ने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये घोटाला किया है, इसकी परत दर परत अब खुलती नजर आ रही है, क्योंकि ये कोई आज का मामला नहीं है जी। पहले से जो शिक्षा माफिया रहे उनकी ये कोशिश रही कि ऐसे अपात्र लोगों का चयन किया जाए जिनसे जिनमें कोई स्वार्थ हो, चाहे वो पैसे का लेन देन हो जी। इस तरह के उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, अगर जब अभी एसटीएफ जांच कर रही है और आगे भी धीरे धीरे इसके खुलासे होंगे, हर जनपदों में लगभग लगभग सैकड़ों की तादाद में अनामिकाएं हैं जी। एक अनामिका जो बेरोजगार है, उसको रोजगार मिला नहीं, वो टीचर नहीं बन पाई, लेकिन उसके नाम पर 25 अनामिकाएं काम कर रही हैं। या इतना बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों जो दागी हैं, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है और उन शिक्षा माफियाओं की यह बड़ी भूमिका है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। अब धीरे धीरे जब एसटीएफ इसकी जांच शुरू करेगी तो निश्चित रूप से सारी चीजें निकल कर आएंगी और निश्चित रूप से सरकार कटघरे में है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि भाई लोग, अगर घोटाला नहीं है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी इसकी मांग की है और साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है और सरकार घेरे में है, क्योंकि ये घोटाला बड़ा है। अब सरकार ने इस पर सख्ती की है और सख्ती करने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उन सभी जनपदों में सत्यापन का काम शुरू हुआ और उनके डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई किए जाएंगे, देखे जाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी से और कॉलेजों से जहां से अंक पत्र इश्यू हैं वहां से वेरीफाई किए जाएंगे। अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है, एसटीएफ अलग जांच कर रही है, लेकिन रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो। गोंडा की जिस महिला जी गोंडा की जिस महिला की बात अगर हम अविनाश करें और जिसके नाम पर 25 जगह पे वो काम कर रही थी, अनामिका तथाकथित जो उसको प्रिया जाटव जी, जो उसका मूल नाम है, लेकिन जो असली अनामिका थी जिसके नाम पे नौकरी की जा रही थी 25 जनपदों में, वो खुद बेरोजगार है, यानी कि उसको वो टीचर भर्ती में वो पास नहीं हो पाई और वो अभी भी बेरोजगार है और उसने सशरीर गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष आकर उसने शपथ पत्र दिया और अपने डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया। तो निश्चित रूप से फर्जी तरीके से
बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और ये बड़ा घोटाला है तो इसकी निश्चित रूप से गहन जांच होनी चाहिए। बिल्कुल गहन जांच होना चाहिए, सरकार करेगी भी। और जैसा आप बता रहे हैं कि सत्यापन किया जा रहा है और इस सत्यापन में न जाने कितनी अनामिकाएं हमारे सामने आती हैं और ये घोटाला जो है कितना बड़ा गोरख धंधा बनकर हमारे सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। पर सवाल यही है कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मामले की जांच करती है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कुछ तरीका अपनाती है कार्रवाई करने का, वो भी देखने वाली बात होगी। एक खबर और उत्तर प्रदेश की है, गोकशी पर एक बड़ा फैसला आज सरकार ने लिया है और 10 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और संशोधित अध्यादेश जो है वो कैबिनेट में पारित हो गया। ये बड़ी खबर है, एक तरफ कोरोना संक्रमण से लड़ रही है सरकार, दूसरी तरफ इस तरह के आदेश लाकर भी जो है वो अपना काम कर रही है, क्या कहेंगे? जब उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बहुमत से आई थी उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण एजेंडा गौ संरक्षण को लेकर चलाया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि गौ संरक्षण का काम ये सरकार करेगी और उस दिशा में वो काम कर रही है। लेकिन अचानक कल जो है जिस तरह से कैबिनेट की बैठक से सरकार ने एक अध्यादेश पास करके ये कहा कि जो भी गौ हत्या करेगा वो उसको निश्चित रूप से 10 साल की सजा दी जाएगी और अगर वो गौ को अंग भंग करेगा तो 7 साल की सजा दी जाएगी। ये गौ वध अधिनियम जो अध्यादेश इन्होंने जारी किया है ये गौ संरक्षण को लेकर किया है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये अपने घोषणा पत्र में वादे भी किया था कि हम गौ संरक्षण करेंगे और गौ की सेवा करने के लिए उन्होंने आयोग बनाया है गौ सेवा आयोग। लेकिन गायों की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्दशा है, अगर हम गौशालाओं की बात करें कहीं ना कहीं अविनाश, तो बहुत ही खराब स्थिति है। गायें उन गौशालाओं में मर रही हैं, उनका इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, निश्चित रूप से कानून का स्वागत होना चाहिए और जिस तरह से तमाम जो साधु संन्यासी हैं वो इसकी लगातार जो है प्रशंसा कर रहे हैं, वो ये निकल कर आए हैं कि ये सरकार का अच्छा कदम जी। लेकिन गौ को संरक्षित करना, उनकी देखभाल करना, उसके लिए जो आयोग बनाया गया है उसको पूरी तरह से फंक्शन करना और जो गौशालाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है उनको फंड देना और अच्छी तरीके से देखभाल करना, तो ये सरकार का भी काम है। केवल ये कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा जी। जो गौ कमजोर है, जिनके पास जो दूध नहीं देती हैं, आप उनका संरक्षण कैसे करेंगे जी? जब तक गौशालाएं चलेंगी तो सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जी। भट्ट साहब, लेकिन इस मामले में एक सवाल ये भी उठता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, हम कमोवेश पूरे देश की स्थिति है कि गौशालाओं में गौवंश को संरक्षण देने की बातें तमाम सरकारें करती हैं और इस दिशा में काम भी हो रहा है, लेकिन ये प्रयास हमेशा से ही नाकाफी नजर आते हैं। दूसरा, जो सड़क पर आवारा मवेशी जो हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट की जो है प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ है हमारे देश में, इस पर भी लगाम लगाने की दिशा में कोई सख्त कानून बनना चाहिए या इस दिशा में क्या कार्रवाई सरकार करे, ये भी एक सवाल जहन में आता है। जब इतने बड़े कानून गोकशी पर जो इतना कड़ा कानून उन्होंने लागू कर दिया तो आवारा मवेशियों को लेकर भी कुछ ना कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जाना चाहिए कि जो गौपालक हैं या जो मवेशियों के मालिक हैं वो छोड़ देते हैं अपने मवेशियों को चरने के लिए जो सड़क पर इधर उधर बैठे रहते हैं, उनकी वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कई लोग जो हैं हर साल इस तरह जो आवारा मवेशियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, तो इस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष लगातार इस सवाल को उठाता रहा है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें या बहुजन समाज पार्टी की करें तो ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि जो आवारा मवेशी हैं, आवारा पशु हैं, जो खेतों में जिनको छुट्टा छोड़ दिया जाता है और वो पूरे फसलों को नुकसान करते हैं, किसान की पूरी फसल चली जाती है, किसान रात रात भर जागकर उन फसलों की देखभाल करता है, कटीले बाड़ में लगाने में वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, और शहरी क्षेत्र में जिस तरह से आवारा पशु हैं वो सड़क पर घूमते हैं, झुंड बनाकर घूमते हैं,
जी लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। सरकार केवल ये कहने की बातें करती है कि हम गौ के सबसे बड़े संरक्षक दाता है, हम संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन आवारा पशुओं को सड़क से उठाकर गौशालाओं में डालना, उनकी देखभाल करना, और इसके लिए भी एक कड़े कानून बनाए कि जो सड़क पर जिस मालिक का गौ पाया जाए तो उसको कम से कम दंडित किया जाए। तो पूरी समस्या को समग्र रूप से देखने की जरूरत है जी, क्योंकि सिर्फ एक गौकशी का ही मामला नहीं है, इससे जुड़ा फिर हर पहलू पर गौर करना चाहिए सरकार को और समग्र रूप से चिंतन मंथन करके इस तरह की कानून लाया जाना चाहिए ताकि गौवंश का संरक्षण भी हो सके, लोगों की सुरक्षा भी हो सके जो आवारा मवेशियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, घायल होते हैं, ये आंकड़े भी कम नहीं है और चौंकाने वाले हैं। यदि विस्तृत रिपोर्ट देखी जाए तो हमारे देश में एक्सीडेंट जो जितने भी होते हैं उनमें बहुत बड़ा कारण आवारा मवेशी भी है, तो तब इन सब चीज़ों पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, और कठोर कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पर उनका अमल जब होगा तो लोगों की समझ में भी आएगी और चीज़ें सुधरेंगे भी। बहरहाल अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर को लेकर क्या स्थितियाँ हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। भट्ट साहब, अविनाश, अभी थोड़ी देर पहले की जो उत्तर प्रदेश की COVID-19 मरीजों का आंकड़ा है वो 11,610 है और तकरीबन 321 लोग अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। सरकार ने खासतौर पर आज की बात अगर हम करें तो 277 केस आज नए पाए गए हैं और तकरीबन हम बात करें जांचों की तो 12,000 से अधिक जांचें कल हुई हैं जिसका आंकड़ा आज आया है। 6,000 के आसपास लगभग कुल मरीज ठीक हो चुके हैं। ये फिगर अब तक उत्तर प्रदेश का है और सबसे बड़ी बात यह है कि जौनपुर जो कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है क्योंकि मुंबई में जौनपुर के लोग बहुत हैं जी। और वहां से प्रवासी मजदूर बहुत सारे लोग जौनपुर में आए हैं। 44 मजदूर जो है COVID-19 के पेशेंट जौनपुर में पाए गए हैं, 21 मरीज कानपुर में पाए गए हैं क्योंकि ये बढ़ता हुआ आंकड़ा है जी। और जिस तरह से प्रवासी मजदूर अब गाँव में गए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, वो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है जी। और सरकार मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज अपने टीम 11 के साथ बैठक करके लगातार ट्रूनेट मशीन यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मशीन लाई गई है ट्रूनेट मशीन जो आधे घंटे में जांच का रिपोर्ट दे देती है जी। वो आज 14 मशीनें योगी के विमान से मंगाई गई हैं और वो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में उत्तर प्रदेश के लगाई जाएंगी जी। सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है कि जांचों की संख्या जी, जैसा कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे थे, जब जांचों की संख्या मात्र केवल 2,000 थी, 1,500 थी, कि लगातार इसको सरकार बढ़ाए जी। अब कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार सरकार जांचों की संख्या बढ़ा रही है। अब 12,000 से अधिक संख्या जांचों की हो रही है जी, लेकिन ये नाकाफी है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अविनाश प्रवासी मजदूर आए हैं जी, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से लगातार जांच करें और जांच करके उन COVID-19 पॉजिटिव केसों को चिन्हित करके निकालें और उनको क्वारंटीन करें, आइसोलेशन करें जी। क्योंकि ये संक्रामक बीमारी जो कि अब लॉकडाउन लगभग पूरी तरह से ढील है, केवल स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, आवागमन सामान्य है जी, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, तो ये संक्रामक बीमारी कहीं ना कहीं तेजी से अपना आकार ले रही है जी। और खासतौर पर गाँव में निश्चित रूप से जहां प्रशासन और पुलिस का दबाव कम रहता है, एक बात तो और निश्चित रूप से जो है वो नुकसानदेह होगी। ये एक छोटा सा सवाल जहन में आ रहा है, वो ये है कि जितना कोशिश सरकार से करते बन रही है, सरकार कर रही है, पूरे संसाधन उसने अपने झोंक रखे हैं कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये जो ढील दी गई है उसमें जाहिर सी बात है संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये एक बहुत समझ लेने वाली बात है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमें अभी बहुत महीनों तक
जो है कोरोना के साथ ही जीना, तो ये बात भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब जिस बीमारी के साथ हमें अब लंबे समय तक जीना है तो उससे किस तरह से दूर रहा जाए, ये कोशिश भी अब लोगों को समझाने की जाना चाहिए कि किस तरह से अब इसके साथ रहना है तो क्या क्या हमें तरीके अपनाने होंगे, किस तरह से हमें अपने आचार व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात हर शख्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और हर शख्स तक पहुँचाना ही काफ़ी नहीं है, हर शख्स इस बात को स्वीकारे और अपनाए भी, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया। क्या कहेंगे अविनाश? निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जो मास्क लगाने की प्राथमिकता, सोशल डिस्टेंसिंग की प्राथमिकता और उसके साथ साथ सैनिटाइजिंग की प्राथमिकता, ये लगातार आरोग्य सेतु डाउनलोड करना सरकार ये लगातार काम कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि ये तमाम जो चीजें वो बनाए हैं उसको लोग पालन करें। लेकिन जहां मैं रोज विभिन्न जगहों पर जाता हूं और सुरक्षित तरीके से मैं अपने आप को खुद सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चीजों को देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। मास्क तो लगाते हैं लेकिन दूरी इतनी कम रहती है कि वो एक दूसरे को छूते नजर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बात वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आप दिल्ली की हालत देख लें, मुंबई की हालत देख लें, अहमदाबाद की हालत देख लें, निश्चित रूप से जिस तरह से वही सवाल यही है, अपना विकराल रूप ले रहा है, तो उससे तो सवाल यही है, सरकारें भी असहाय हो जाएंगी। नहीं, लोगों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए क्या कोई पहल सरकार बड़ी कोई वृहत योजना बना रही है कि उत्तर प्रदेश में जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कोई उसकी कोई कवायद या उसकी कोई कोशिश शुरू की है सरकार ने? क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है, अब वक्त रहते लोगों को समझा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम चलाया था, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। लेकिन सरकार को अब ये लगने लगा है कि ये बात सभी लोगों को पता चल गई है कि मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजिंग किया जाए, आप सुरक्षित दूरी बनाएं, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में न रहें जो व्यक्ति संक्रमित है या संदेह है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब सरकार का ध्यान बीमारी की तरफ उतना ना होके लोगों के स्थापन के तरफ ज्यादा हो गया जी। अब सरकार को जो करना था 1,00,000 बेड बना दिए, ट्रूनेट मशीनें आ गई, जांच हो रही है, लेकिन बीमारी पर जो सुविधाएं अस्पतालों में होनी चाहिए वो अभी अधूरी है। लेकिन सरकार को यह लगने लगा है कि और भी प्राथमिकताएं हैं, लोगों का रोजगार, लोगों की पढ़ाई, लोगों के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था, ये इकोनॉमी, चलिए ये कहीं कोलैप्स न कर जाए, इसलिए सरकार अब ज्यादा बिल्कुल अब ध्यान थोड़ा सा दूसरी चीजों पर सरकार का ज्यादा चला गया है। लेकिन जरूरी है बहुत कि लोगों को ये बात समझाई जाए कि भाई आप जान है तो जहान है, और कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय यदि वो करेंगे तभी इससे सुरक्षित रह सकते हैं, वरना ये बीमारी जानलेवा निश्चित तौर पर है और सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है और हम चाहेंगे कि लोग भी इस बात को अब बेहतर तरीके से समझें। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासत उस पर हो रही है। दूसरा, गोकशी पर एक बड़ा कानून आज सरकार लेके आई है और कोरोना से जंग भी इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार लड़ रही है और हर मोर्चे पर वो चाहती है कि उसे सफलता मिले। अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।